अपन यहाँ पे फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। फोटोशॉप में अपना फाइल मैनेजर चल रहा था, फाइल मैनेजर में हमने आपको यहाँ तक के ऑप्शन बता दिए थे ना, प्लेस तक यहाँ से बताना था इनपुट पे। अपन यहाँ पे पहले कोई सी पिक्चर ओपन कर लेते हैं। जैसे आपने ये पिक्चर ओपन की ना, अब आप फाइल टैब पे जाएंगे, अब आपके पूरे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। प्लेस का ऑप्शन आता है, आप प्लेस पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपने पिक्चर ओपन की, पिक्चर के बाद जैसे कि अपन यहाँ दिस पीसी में चल, दिस पीसी में आप देखेंगे आपको यहाँ पे किसी ड्राइव पीडीएफ वगैरह देखने को मिल जाएंगी। जैसे ये बॉर्डर वाला आपने इसको सिलेक्ट किया, प्लेस पे आपने क्लिक कर दिया, देखिए इसके ऊपर आ गया। अब आप सोच रहे हैं इसका आप यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें तो आपका सब क्या ओपन हो रहा है, पीडीएफ हो रहा है। अब आप देखते हैं आपकी जो थोड़ी सी पिक्चर वगैरह रहती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फोटो फ्रेम में मान लीजिए, फोटो फ्रेम रहती है, फोटो फ्रेम में भी आपने देखा कभी कभी बॉर्डर लगी रहती है ऊपर से, या तो डिजाइन बनी रहती है फोटोज की साइड में, जो अपनी बॉर्डर रहती है उस पर डिजाइन बनी रहती है, तब आप इसका यूज करते हैं। जैसे अभी इसमें बॉर्डर बनी रहती है, अपन ने यहाँ पे बॉर्डर ओपन की, अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आपको जिस भी टाइप से बॉर्डर को यहाँ पे सेट करना है, ये बॉर्डर यहाँ पे सेट हो जाएगी, तब आप यहाँ पे प्लेस ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। अपन यहाँ से प्लेस पे क्लिक कर देंगे, देखिए सेट हो गया इस टाइप से, तब आप यहाँ पे प्लेस ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। लेकिन उसमें ओपन क्या होगा, सिर्फ पीडीएफ वगैरह नॉर्मल इमेज ओपन नहीं होगी। अपन फाइल पे चलते हैं, प्लेस पे क्लिक करते हैं, आप जिस पीसी में जाए, आप यहाँ से जाइए एप ड्राइव, अपन इसमें चलते हैं वॉलपेपर नाम के फोल्डर में, ओपन किया, जबकि इमेज की कुछ भी सोने करवा क्योंकि वो सब के इसमें नॉर्मल जेपीजी फॉर्मेट में, इसमें वो आपका क्या ले रहा है, पीडीएफ, ठीक है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहता है यहाँ पे इनपुट। इनपुट पे आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है आपको पीडीएफ इमेज चाहिए, इनमें से जो भी इमेज आप यहाँ पे लेना चाहते हो, और यहीं पे आपको ऑप्शन देता है प्रिंटर से दे रहा है। अगर अभी आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं ले रहा। आप लोगों ने देखा जब अपने पास कोई इमेज वगैरह रहती है, इमेज रहती है, आप बोलते हैं कि आप इसको स्कैन करके ले लो अपने कंप्यूटर पर, बोलते हैं जैसे फोटो स्टूडियो वाले लेते हैं, तभी तभी स्कैन करके ले लेते हैं अपनी इमेज। तब वो कैसे लेते हैं, यहाँ से फाइल पे जाते हैं, इनपुट पे जाएंगे, ऑप्शन आ रहा है उनके पास यहाँ पे प्रिंटर है, वो इस पर क्लिक करेंगे तो उनके में जो भी स्कैनर प्रिंटर वगैरह अटैच रहेगा वो उससे क्या करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, स्कैन नॉट कम्युनिकेट विद द स्कैनर दे रहा है, स्कैनर अपना इसमें ऑन है ही नहीं। जब आप उसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे वो स्कैन करती है, जो आपकी इमेज वगैरह रहेगी स्कैन करके डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगी, फोटोशॉप। अभी अपन यहाँ से इसमें पीडीएफ फाइल ले लेते हैं, नॉर्मल अपन ले लेते हैं इसमें पीडीएफ इमेज। आपने पीडीएफ पे क्लिक किया, कोई भी पीडीएफ सिलेक्ट करना और ओपन पे क्लिक करना। अभी यहाँ पे व्हाट्सएप नहीं करता, इमेज वाला पीडीएफ देखिए। आप लोग करते हैं सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ से, जैसे आप इसका यूज इसलिए करते हैं, लेकिन नॉर्मल आपको कोई पीडीएफ वगैरह की इमेज ओपन करना हो या नॉर्मल अपन को ओपन करते हैं डायरेक्ट स्कैन करके आपको लेना हो, आप इसका यहाँ पे यूज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट रहता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है पार्ट टू एक्सप्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस टाइप का डायलॉग उसका ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये लोकेशन देता है, आपका जो भी पाथ वगैरह है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मतलब जो भी इमेज है ये आपकी किस पाथ पर है वो आपको यहाँ पे शो करवा देता है। इसका अपन ज़्यादातर यूज नहीं करती है एक्सपोर्ट वाले। फिर नेक्स्ट रहता है आपका वर्ड, यहाँ से आपको जो भी ओपन वगैरह करना, मतलब कुछ ओपन करना है इस टाइप से यहाँ पे ओपन करके दे देता है। लेकिन आपके जो इसमें यूजफुल रहते हैं फोटोशॉप में वो आपके यूजफुल रहते हैं यहाँ पे इनपुट तक, क्योंकि अपन इसमें कोई भी फाइल डायरेक्ट स्कैन वगैरह से इमेज करके भी लेते हैं, यहाँ से भी ओपन करते हैं। इसमें आपके इतने ऑप्शन यूजफुल रहते हैं। फिर नेक्स्ट आपको देता है यहाँ पे ये फाइल इनको वाला, इस पर जब आप क्लिक करेंगे इस टाइप का डायलॉग ओपन हो जाता है। अगर आप यहाँ पे फाइल इनको देके रखना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ देना चाहते हो टाइटल, ऑथर का नाम, ऑथर पोजिशन क्या है, कैप्शन वगैरह क्या है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे पूरी फाइल इनको तैयार करके यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं। आपकी जो भी फाइल इनको रहेगी पूरी आप यहाँ पे फिल करना और आप उसको यहाँ पे ओके करेंगे, आप उसको सेव कर देंगे तो वो सेव हो जाएगी जो भी आपकी फाइल रहती है उसकी इनको। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखना, एक ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा था ऑटोमेट मिल रहा था, ऑटोमेट पे आप जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इसमें एक ऑप्शन है आपका फिटी में, आप इस पर क्लिक करेंगे इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जो आपने ओपन पे क्लिक किया, अपन ने ये पिक्चर सेलेक्ट की, इसको ओपन कर लिया। अब आप यहाँ से ऑटोमेट पे जाएंगे, आप यहाँ से फिट इमेज पे क्लिक करना, बता रहे हैं यहाँ पे विथ और हाइट, अपन ने इसकी विथ कर दी यहाँ पे 100 और हाइट अपन ने 7 रहने दी, देन आप ओके कर देना। देखिए कम हो गया, आप यहाँ से भी इसकी विथ वगैरह जो रहती है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से ऑटोमेट पे जाना और यहाँ से फिट इमेज पे क्लिक कर देना, इमेज आपको जैसे भी फिट करना है। और ये रहता है फाइल इन्फो के लिए, अगर आपको फाइल की इन्फो तैयार करके रखना है, मतलब पूरा कैप्शन देना है, ऑथर का नाम देना है, पूरी इन्फॉर्मेशन, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद के जो ऑप्शन रहते हैं वो रहते हैं आपके प्रिंट के लिए। एक है सबसे पहले पेज सेटअप, आप इस पर क्लिक करना, पेज का सेटअप आपने यहाँ से सेट कर लेना, कितने साइज के पेज पे आपको निकालना है, A4 वगैरह पूरा यहाँ पे वो सेट कर देना, पोर्ट्रेट लेना है या लैंडस्केप सेट करके देन ओके कर देना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देता है यहाँ पे प्रिंट विद प्रीव्यू, अगर प्रीव्यू के साथ निकालना है, डायरेक्ट निकालना है तो प्रिंट पे क्लिक कर देना। और इसके नीचे ऑप्शन क्या आ रहा है, प्रिंट वन कॉपी, अगर आप प्रिंट वन कॉपी पे क्लिक करेंगे सिर्फ एक ही कॉपी निकालेगा, मतलब जैसे अगर आपके 2 से 3 इमेज भी किसी निकालेगा सिर्फ प्रिंट में एक ही कॉपी निकालेगा, एक बार वन कॉपी निकाल देगा। और प्रिंट करते हैं तो अपन जितना निकालना चाहते हैं उतना निकाल आता है, लेकिन जब प्रिंट वन कॉपी पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक ही कॉपी निकालेगा। आपके इसके ऊपर की वाले ऑप्शन यूजफुल रहते हैं, इसमें जो अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि इनका आप यूज़ ज़्यादा करते हैं। और नीचे रहता है आपका ये, जब आपको प्रिंट वगैरह इसमें निकालना होता है। और ये है जंप, जंप पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ एड ऑफ इमेज एडिटर, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस टाइप से ये आपको इसमें ओपन कर देगा, इस टाइप से मतलब फोटोशॉप से अब आपका इसमें ओपन कर देगा, एड ऑफ इमेज रेडिट, इस टाइप से यहाँ पे ओपन कर देगा, जंप पे जाते। और लास्ट ऑप्शन है एडिट, एडिट करेंगे तो ये आपका इस टाइप से यहाँ पे तो यस नो कर देते, ये पिक्चर आपकी जो भी है उसको अपन यहाँ से क्लोज करते हैं, नॉर्मल वो यहाँ से क्लोज हो जाती है। लेकिन उसमें क्या होता था, पिक्चर पे क्लोज करने से पिक्चर क्लोज होती है, इसमें क्या होगा, पहले पिक्चर क्लोज होगी फिर अपना पूरा फोटोशॉप यहाँ से क्लोज हो जाएगा। अब आपका फाइल टैब में इतने ऑप्शन यूजफुल रहते थे वो हमने आपको बता दिए। अब अपन आते हैं एडिट पे, अभी आप देखना एडिट पे कोई भी ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं हो रहा। अपन यहाँ पे कंट्रोल एन से पहले कोई न्यू पेज ले लेते हैं। अब आप देखिए एडिट पे अभी भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, कोई भी ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं हो रहा। आपने देखिए यहाँ पे पिक्चर ओपन की, पिक्चर सेलेक्ट करनी, ओपन की, अब आप एडिट पे जाओ, देखिए कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो। अभी अपन ने क्या किया, सिर्फ इसमें ओपन किया है, आपने मूव टूल सेलेक्ट किया, अपन इस पिक्चर को मूव करके यहाँ पेज पे ले लो, पेज का साइज हम बड़ा ले लेते हैं। आपने जैसे पिक्चर को मूव करके पेज पे ले जाए, अब आप देखना इसमें ऑप्शन हाईलाइट हुआ अंडर मूव, इस पर क्लिक करेंगे क्या हो गया, यहाँ से एंड हो जाए। फिर से आप देखें अब ऑप्शन क्या आ रहा है, रीडो मूव, इस पर क्लिक करेंगे क्या कर देगा ये रीडो। जैसे कि आपने देखा अल्टर साथ अपन ने इसकी 2 डुप्लीकेट बना, एक ये है लेयर, एक ये है। अब आपने यहाँ से अंडो मूव पे क्लिक किया, हट जाएगा, सेंटर लेयर से यूज करते हैं अंडो करने के लिए, यहाँ से अंडो कर देगा। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है, यहाँ से रीडो मूव, इस पर क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। अगर आपको अंडो करना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, वीडियो करना है तो आप क्या करेंगे, इस पर यहाँ से क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। हमने इसको कंट्रोल जेड किया, हो गया, वापस कंट्रोल जेड किया, क्या कर दिया उसने, मूव कर दिया। जबकि MS वर्ड और एक्सेल में क्या होता है, कंट्रोल जेड से अंडो हो जाता है, कंट्रोल Y से रीड होता है। इसमें क्या अप्लाई कर रहा है दोनों में, कंट्रोल जेड। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है सेट बेच वर्ड, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए चले जाइए, आप एडिट पे जाएंगे, फिर से ये ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है सेट बैकवर्ड, आपने इस पर क्लिक किया, देखिए अभी अपन इस पर यहाँ से क्लिक करते हैं, पूरे तरीके से चलेगा। जब MS वर्ड में आप वर्क करते हैं, जैसे कि आपने एक पैराग्राफ ले लिया, आपने उसमें टेक्स्ट अलग ही कर दिया और फॉन्ट का साइज भी बड़ा कर दिया, करते हैं आप, जैसे अपन इस पर मिनिमाइज करते हैं, आपने यहाँ से ये MS वर्ड ओपन कर लिया। अब आपने इसमें क्या किया, यहाँ पे आपने ये पहले तो पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। अब पैराग्राफ लेने के बाद हमने इसमें यहाँ पे से सिलेक्ट किया, इसका फॉन्ट कलर यहाँ पे चेंज कर दिया। अब आपको क्या करना है, पूरा नॉर्मल करना, क्या करेंगे कंट्रोल जेड, कलर चेंज हुआ, फिर से कंट्रोल जेड, क्या होगा इस टाइप का होगा, फिर से कंट्रोल जेड, पूरा चला जाएगा। इसमें क्या करता है, कंट्रोल जेड में सिर्फ अंडो करता है और कंट्रोल वाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यही होता है। लेकिन फोटोशॉप में क्या होता है, जैसे आपने पिक्चर पे क्लिक करके इसको यहाँ मूव किया, अल्टर साथ इसकी लेयर बनाई, आप अदर कंट्रोल जेड कर रहे हैं, क्या हो रहा है, एंड